नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोविया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 29 मई 2020 है, तो आज हम लोग इवनिंग का सेशन चल रहा है, तो इवनिंग का तक का करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हार्बर रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हार्बर रोड्स प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। कौन सा? हार्बर रोड्स प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण किया करेगी। जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनका रोपण होगा सड़क के किनारे किनारे, और जो बीच में डिवाइडर होता है उस पे भी पौधे लगाए जाएंगे। इन औषधीय पेड़ पौधों में नीम, पीपल, सहजन आदि के पौधे होंगे। ये पौधे औषधियों के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे। इस परियोजना के लिए 800 किलोमीटर की सड़क को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग के साथ चुना गया है। अब देखते हैं इसके महत्व तो क्या हैं। यह परियोजना 18 जिलों में शुरू की गई है, यूपी के 18 जिलों में शुरू की गई है। इस तरह की पहल को दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 में पहले ही लागू किया जा चुका है। इसमें लगभग 34 किस्म के औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे, 34 टाइप्स ऑफ। ट्री। नेक्स्ट, इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बोनसाई कैक्टस जैसे गैर देसी प्रजातियों के विकास को कम करना है। आगे देखते हैं इसके लाभ क्या होंगे। ब्रह्मी का पौधा स्मृति को तेज करता है। अश्वगंधा का उपयोग समान कल्याण में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अश्वगंधा को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए अध्ययन में शामिल किया गया था। इसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट वन, सेकेंड नंबर, उइगर मानवाधिकार विधेयक, बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी है। क्या इस विधेयक के अंदर? विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को हिरासत में रखा गया है। विधायक के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली अपराध की निंदा करनी होगी और सिंजियांग प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शिविरों को बंद करने की अपील करनी होगी। आगे देखते हैं विधेयक में शामिल अन्य प्रावधान। इसमें प्रावधान क्या है? इस विधेयक के अनुसार अमेरिका की राज्य सचिव को सिंजियांग प्रांत में पुनः शिक्षा और जबरन श्रम शिविरों में रखे गए लोगों की संख्या की जानकारी देनी होगी। आगे, विधेयक उन प्रौद्योगिकी को चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाना है
जो चेहरे तथा आवाज़ के आधार पर व्यक्तिगत पहचान और निगरानी करने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हांगकांग का उदाहरण है कि वहाँ जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो जो फोर्स थी वो उनके साथ एक कलर रूपी केमिकल का प्रयोग कर रही थी, जिससे मतलब कि जैसे यहाँ भारत में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो पानी की बौछारें की जाती हैं, ऐसे ही वहाँ पानी की बौछारों के रूप में एक लिक्विड मिलाया जाता था, तरल, और उसकी बौछारें लोगों पे की जाती थी जिससे पहचान की जा सके कि कौन प्रोटेस्टर है, क्योंकि वो कलर अगर एक बार किसी की बॉडी में लग गया तो लंबे समय तक रहता था, जिसे पहचान की जा सकती थी आगे के समय में कि ये प्रोटेस्ट कर रहा था इस आंदोलन में। आगे देखते हैं, उइगर शब्द आया कहाँ से? ये एक प्रकार के मुस्लिम है, उइगर मुस्लिम। उइगर मुस्लिम चीन के सिंजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। चीन के सिंजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40% है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को सिंजियांग प्रांत के शिविरों में नज़रबंद कर रखा गया है चीन द्वारा। अब चीन इसमें क्या कहता है, अपना पक्ष क्या रखता है? चीनी सागर से लगातार दावा किया जाता है कि वह सिंजियांग प्रांत के शिविरों में लोगों को स्वैच्छिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। चीन ने उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार संबंधित घटनाओं से इनकार किया है। चीन के अनुसार वह उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को इस्लामी चरमपंथ तथा अलगाववाद से बाहर लाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है। अब इसमें भारत के हित क्या है, भारत की तार्किकता क्या है इस विधेयक के आने से, भारत पे क्या असर पड़ने वाला है? अनेक मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का मानना है कि भारत चीन की मुस्लिम अल्पसंख्यक नीति का खुलकर विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि भारत खुद जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर नीति को बढ़ावा दे रहा है। क्यों लाया गया है ये उइगर मानवाधिकार विधेयक? हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जो पहली बार चीन की सरकार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने तथा इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अंगों को संचालित करने की अनुमति देता है। चीन के इस मसौदे को प्रस्तुत करने के बाद अमेरिकी संसद द्वारा हांगकांग में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने वाले कानून को पेश किया गया। अमेरिकी संसद में हांगकांग प्रदर्शन के समर्थन देने वाले कानून को पेश करने के बाद चीन ने प्रतिक्रिया में कहा था कि अमेरिकी सैन्य जहाज़ों और विमानों को हांगकांग जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही अमेरिका की गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा भी कर दी थी। इसी का ही और पूरा मतलब कि न्यूज़ विस्तार रूप देखने के लिए हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल जो द स्क्वायर पोस्ट है उसमें जाके कल अपलोड हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन पूरा, तो कम से कम 20 मिनट का रहेगा पूरा। ये तो मेन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें थी जो हम लोगों ने बताई, एक और बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अपने द स्क्वायर पोस्ट जो हमारा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उस पे जाके चर्चा करेंगे इस पे, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड वन, मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष। हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं भारत के अनिल किशोर को
एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अनिल किशोर जी को चुना गया है। एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, इसलिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। जो नए अध्यक्ष हैं वो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो होंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर है, फोर्थ नंबर का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज 29 मई 2020 को उनका निधन हो गया। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा तथा कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं होंगे। स्वर्गीय जोगी का राजकीय सम्मान के साथ 30 मई को गौरेला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत जोगी ने कुछ समय तक रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन का विकार किया है। उन्होंने यहीं रहते हुए सिविल सर्विस की परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने भी गए। 1.5 साल तक पुलिस सेवा में रहने के बाद अजीत जोगी ने फिर से परीक्षा दी और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी चुने गए। अगला फिफ्थ नंबर, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर। कर्नाटका सरकार ने भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य की आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा को एकत्रित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक अपने तरह के एक कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम एक पायलट परियोजना के तौर पर राज्य के चिक्काबल्लापुरा और दक्षिण कन्नड़ जिले में लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर ये परियोजना सक्सेसफुल रहती है तो इसके पूरे देश में लागू किए जाने की आस है। आगे देखते हैं, सिक्स नंबर, एडीबी ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजना हेतु 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने हेतु 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एडीबी और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को दोहरी लेन का बनाया जाएगा। ये सड़कें 7 जिलों में और इनकी सम्मिलित लंबाई 450 किलोमीटर होगी और इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतर्राज्यीय सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेल हब, जिला मुख्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों, उद्यम समूहों और कृषि क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा। आगे देखते हैं, 7वां नंबर, नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में आईओसी सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी सत्र, आईओसी कार्यकारी बोर्ड और आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले 2014 से
16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष रहे। वे साल 2003 से 13 तक दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, आठवां, वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी 5% की कमी। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% तक घट सकती है। अगला देखते हैं, नौवां नंबर, 11 साल के निचले स्तर पर पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही में देश की विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर गिरकर 3.1% पर आ चुकी है। आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष 19-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल की निचले स्तर पर 4.2% पर पहुंच गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रही थी। बीते पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 4.2% पर आ गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.1% रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। ऐसे ही और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और करेंट अफेयर सीरीज देखने के लिए देखते रहिए हमारा स्टडी चैनल एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।